आज हम अयोध्या में हैं और अयोध्या के बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं जो अयोध्या मंदिर के निर्माण में जो हाथ उनको बनाने में लग रहे हैं उनसे बात करें, वहां के आस पड़ोस के लोगों से बात करें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ एक महिला है, क्योंकि 92 का वो मंजर बहुत ही खतरनाक था जब अयोध्या मंदिर के लिए विवाद शुरू हुआ था, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज अयोध्या मंदिर का जो है वो यहाँ पर उसका आयोजन होने जा रहा है। उसकी अगर हम कहें कि आम लोगों के लिए अयोध्या मंदिर के दर्शन खोले जाएंगे। हमारे साथ एक महिला है, उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा इंतज़ार के बाद हिंदुस्तान के लोगों को ये मंजर देखने को मिला है, लेकिन कुछ लोगों की यादें भी हैं जो बहुत दुख भरी हैं। उन्हीं में से एक महिला आज हमारे साथ है, हम उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मुन्नी बेगम। मुन्नी, आप कितने सालों से अयोध्या में हैं? बचपन से या शादी करके यहाँ पे आए थे? शादी करके आए थे। आप वैसे कहाँ की रहने वाली हैं? हम फैजाबाद के। फैजाबाद के। अच्छा, ये आपने मुझे एक फोटो दिखाया, मैंने आपसे बात करी कि आपने बताया था कि 92 में आपका घर जला दिया गया था, क्या हुआ था? अरे बाबरी मस्जिद शहीद की लगे घर तोड़िन फोड़िन लूटिन है। आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन नुकसान आपको झेलना पड़ा? हाँ जी। सरकार ने कोई मुआवजा दिया था आपको कि जिस तरीके से आपके साथ ये दर्द बड़ा हादसा हुआ? नहीं। आप देख सकते हैं मुन्नी के पास यादें हैं पुरानी। आप देख सकते हैं जब ये विवाद शुरू हुआ था तो उनका जो घर है फोटो में है, जला दिया गया था, फोटो भी धुंधली हो चुकी है, लेकिन यादें जो मुन्नी देवी के मुन्नी बेगम के दिल में है वो हमें बता रही है। उस दिन क्या हुआ था याद है आपको? एक लंबा समय बीत चुका है जी। याद तो है ही है, घर से बेघर हुए थे, छोड़ छोड़ के चले गए थे, हमारे ससुर सास सब थी, घर पे हमला बोल दिए थे। आप क्या कर रही थी उस समय? खाना बना रहे थे। एक एक करके मंजर बताएंगे क्या हुआ था, अचानक लोग आए आपका घर तोड़ दिया, क्या हुआ था? सुबह कितने बजे की बात है? सुबह 8 बजे आए थे तो मस्जिद से किताबें फेंकी जा रही थी, उसके बाद में घर पे हमला बोले तो एक थी वो कहने लगी मेरा घर है आप निकलिए निकलिए, उसके बाद में हमको बैठाल दिया तो 6 तारीख में तोड़ी ने 12 बज के पता नहीं कई मिनट पे था, हमारे ससुर सास तब कोठे बैठे थे। अभी हैं जीवित? नहीं। अच्छा ये बताइए, आज मंदिर का निर्माण हो चुका है, अब मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, कोई ऐसा है जो कोर्ट फैसला करी से उस पर सबको मंजूरी है। आपको खुशी है? हाँ खुशी है, जो फैसला करी से वो माना गया है। जो अब हम लोग तो कह ही रहे थे कि जो कोर्ट करेगा वो फैसला माना जाएगा, वही माना गया। तो आप ये देख सकते हैं मुन्नी बेगम ये भी उस हादसे का शिकार हुई थी, ये कहती हैं ये फैजाबाद की रहने वाली है और शादी करके ये अयोध्या में आई थी। जब विवाद शुरू हुआ था 1992 में और दंगे हुए थे तो उसका शिकार मुन्नी बेगम भी हुई थी, उनका परिवार भी हुआ था, उनका घर तोड़ दिया गया, जला दिया गया, लेकिन उनका ये भी कहना है साफ साफ शब्दों में कि जो कोर्ट का फैसला आया है और जो ये मंदिर निर्माण हो रहा है अब इसका उद्घाटन है, वो इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं।